हाँ और एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बैलेंस शीट की बात करेंगे और बैलेंस शीट में भी अगेन दो कंपनियाँ नहीं हैं तीन हैं अब एक सब्सिडियरी है और एक एसोसिएट है तो अब देखिए चेंज किया है कि एक होल्डिंग एक दो सब्सिडियरी नहीं है एक होल्डिंग है एक सब्सिडियरी है और एक एसोसिएट है और आपको पता है कि होल्डिंग और एसोसिएट में और सब्सिडियरी में डिफरेंस क्या होता है सब्सिडियरी में मोर देन फिफ्टी परसेंट और एसोसिएट में ट्वेंटी और फिफ्टी परसेंट के दरमियान आपकी शेयर होल्डिंग होती है जो तो कि पावर लिमिटेड रिक्वायर्ड सिक्सटी परसेंट शेयर ऑफ सुपर सुपर आपकी सब्सिडी हो गई एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर ऑफ एडवांस तो ये आपकी एसोसिएट हो गई ऑन डिसम्बर थर्टी फर्स्ट द स्टेटमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल पोजिशन एज ऑन दिसंबर थर्टी फर्स्ट एग्जैक्टली साल के बाद और एज अंडर अगेन ज़्यादा डिटेल में एसेट्स और लाइबिलिटीज मेंशन नहीं की आइडिया ये है कि आपको ये पता चल जाए कि सब्सिडरी और एसोसिएट अगर दोनों कंपनियां हैं तो उसको हमने कंसोलिडेट कैसे करना है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स अब देखिए ये इन्वेस्टमेंट एक ही जगह लिखी हुई है इसमें नोट करें एक बात कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो पावर ने की है वो है जिसमें आपका सुपर का भी हिस्सा है और आपका एडवांस का भी हिस्सा है तो हमें ब्राई फाइफिकेशन करनी पड़ेगी दी गई होगी कहीं नीचे जाकर करंट एसेट्स में इन्वेंट्री या ट्रेड रिसीवेबल और कैश और कैश कलेंट है तो टोटल एसेट्स आपके और दूसरी साइड उसकी लाइबिलिटी और इक्विटी में शेयर कैपिटल दोनों तीनों कंपनीज के शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग्स और फिर करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स हैं और टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी तो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बराबर बराबर हो गए यहाँ तक ठीक हो गया अब आए इसकी इंफॉर्मेशन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है द इन्वेस्टमेंट ऑफ पावर लिमिटेड कंपरप्राइज इन सुपर फॉर वन फोर्टी वन अगर आपने नोट किया हो वहाँ वो टू थर्टी सिक्स है देखें टू थर्टी सिक्स तो इसका मतलब ये है कि वन फोर्टी वन जो है वो सुपर तो की है और बैलेंस जो है वो एडवांस का है उसके बाद एडवांस प्लस लिमिटेड नाइन्टी फाइव मिलियन ये डिफरेंस अगर निकाल कर देखें तो नाइन्टी फाइव मिलियन ही बनेगा मैंने पहले नहीं बताया लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पर द प्री एक्शन रिटेन अर्निंग्स बैलेंस इज व एज फॉलोज जब आपने एक्वायर किया तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है उसको जरूर नोट करना क्योंकि ये आपका हिस्सा नहीं बनता यानी आप इसको अपना प्रॉफिट शामिल नहीं कर सकते सुपर का है ट्वेंटी फाइव मिलियन और एडवांस का है वन थर्टी मिलियन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लाट एंड ऑफ सुपर सुपर जो है ये आपकी सब्सिडरी है was greater than its book value by 50 million if super had revalued its property plant and equipment of december 2009 an additional depreciation of 5 million would have been charged to income statement for the year december 31st 2020 2010 now look here again isme property hai, hai book value se, 50 million ki. तो अगर आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं इसको आप प्रॉफिट अपने एसेट्स में अप्रेज कर लेते हैं तो बिल्कुल सही है क्योंकि आपने जो भी जो ये अक्वायर करना है उसकी फेयर वैल्यू लेनी होती है एसेट्स की तो जब आप इसको फिफ्टी परसेंट को उसमें ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंगली जिसकी कंपनी में ऐड हो रहा है वो उसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज भी करेगा रिवाइज फिगर पर यानी कैरिंग वैल्यू पर नहीं करेगा बल्कि जो फेयर वैल्यू नहीं है उस पर तो इसीलिए उसने क्लियर बता दिया फिफ्टी परसेंट से आपने अप्रेज करना है और उससे हिसाब से आपको पाँच मिलियन की डेप्रिसिएशन एडिशनल पड़ेगी द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ सुपर विकॉज इन एक्सेस ऑफ इट्स फेयर वैल्यू ऑफ ट्वेंटी एक और एडजस्टमेंट जैसे मैंने कहा था ना कि एडजस्टमेंट की लिमिट कोई नहीं है वहाँ पर प्रॉपर्टी में आपको ऐड करना पड़ रहा है पचास हजार पचास मिलियन का और इसमें आपको ट्वेंटी मिलियन के इन्वेंट्री में भी ऐड करना पड़ रहा है इन्वेंट्री वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इसमें अच्छी बात यह हुई कि इन्वेंट्री जो है ना वो बिक गई है आपके पास नहीं है इसलिए इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन आप प्रेस करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द ईयर पावर सोल्ड गुड्स टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन मिलियन विच ओरिजिनली कॉस्ट प्लस फिफ्टीन तो इसमें जो छः मिलियन का प्रॉफिट है उसको आपको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अपने हिस्से का विच इज़ वन थर्ड ऑफ अच्छा इसमें भी है कि वन थर्ड ऑफ द गुड्स गुड्सिटी तो पूरे का पूरा नहीं उसमें से वन थर्ड जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसकी एडजस्टमेंट करना पड़ेगी फेयर कैपिटल एंड प्रीमियम रिमेन्सम नो चेंज एंड देर इज नो एम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल सिंस एक्जिशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमने खुद से एम्पेयरमेंट नहीं करनी बल्कि एग्जामिनर सजेस्ट करेगा उसके हिसाब से एम्पेयरमेंट करनी पड़ती है इंपेयरमेंट का मतलब ये कि आप बैलेंस शीट से इसको राइट ऑफ करें निकालें पिछले क्वेश्चन हमने किया था उसने बता दिया था कि इतनी गुडविल इसको आप राइट ऑफ कर दें स्ट्रेट अवे तो हमने उसको राइट इस केस में वो कह रहा है कि गुडविल जो जनरेट होगी उसको हमने राइट ऑफ नहीं करना है तो हमने इसका आगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है एज ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड टेन थैंक यू वेरी मच